हेलो एवरीवन, वी आर वंस अगेन बैक विद आवर गेस्ट कस्तूरी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए फेमिनिज्म पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कस्तूरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम मानते हैं कि फेमिनिज्म ने बहुत एफर्ट किए हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, बट अभी भी जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे पास लॉज है इक्वालिटी के लिए, वुमेन को अच्छे से ट्रीट किया जाने लगा भी है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें जो गोल अचीव करना है इक्वालिटी का वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब क्यों, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी। एजुकेशन हमारा सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड रहता है, रूरल एरिया में नहीं जाता है। आज भी मेंस्ट्रुएशन को लेकर के मासिक धर्म जिसे कहते हैं, इतना स्टिग्मा क्यों है? आज भी व्हेन अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन इन एनी रूरल प्लेस इज केप्ट इन अ सेपरेट हट घर से बाहर, और इफ एनी वुमेन अपोजेस ऐसी किसी भी बात को कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अलग नहीं रहूंगी, देयर इज नथिंग इम्प्योर अबाउट अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, तो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे गांव पे किसी भी तरह की आपदा आती है, इफ यू डोंट गो बाय द नॉर्म्स जो सोसाइटी में बनाया गया है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ रैथ, सम सॉर्ट ऑफ रैथ जो कि भगवान हमारे ऊपर कुछ भेज देंगे या कोई आपदा आ जाएगी जिससे कि सबका बुरा होगा, एंड दे स्टार्ट कनेक्टिंग एवरी डॉट्स। कुछ भी अगर खराब होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो वो एक आपने क्योंकि ये फॉलो नहीं किया, ये कस्टम फॉलो नहीं किया, आपने क्योंकि ये रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किया इसलिए हुआ। वी आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू आर कस्टम्स एज इंडियंस, वी नो दैट। इवन सिटीज में, ये सिर्फ रूरल एरिया की सच्चाई नहीं है, सिटीज में भी है, दिखता नहीं है क्योंकि इट्स कंपार्टमेंटलाइज्ड। छोटे छोटे रूम्स में जब आप किसी को बंद कर देते हो ना, किसी शहर में आप उसके बारे में बात नहीं करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट डज एग्जिस्ट हियर, और वो चीज आप दूसरों के सामने नहीं दिखाते हो बिकॉज यू हैव टू बी प्रिटेंशियस। गाँव देहात के जो जगह होते हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि जो हमारे कस्टम्स है इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट एजुकेशन इज टीचिंग, तो दे आर वेरी आउटस्पोकन अबाउट इट कि नो, इफ यू हैव यू आर अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमन और इफ यू हैव बीन प्रेग्नेंट तो आप 2 महीने घर के बाहर रहें, एंड द पीपल हु डोंट फॉलो इट दे आर देन उनका बहिष्कार कर दिया जाता है सोसाइटी से। तो ये एक रीजन है जो अभी तक के पूरी तरीके से फेमिनिज्म अपने पैर नहीं जमा पाई है गाँव में, खासकर रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में फिर भी डे टू डे बेसिस पे आप अगर किसी को, आपको अगर पता चलता है कि somebody is being biased या जेंडर biased है या stereotype है, तो आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं, और शायद दे आर जस्ट अशेम्ड कि सामने वाले को ना पता चले दैट उसे वो प्रोग्रेसिव मानते हैं कि इफ यू आर आप जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करते हैं या आप मतलब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, देन यू आर अ प्रोग्रेसिव पर्सन, आपकी वाहवाही होती है शहर में। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में आप जितना घूंघट डालें उतना आपकी वाहवाही होती है। गांव में ये भी कहा जाता है कि जो औरतें घर से बाहर निकलती है, नौकरी करती है, जो अजीबोगरीब कपड़े पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो चरित्रहीन होती है। When somebody is talking about your character, तो कहीं ना कहीं it is so ingrained inside of us, of every woman. We are so closely attached to our culture, और दूसरा right from our birth, we are emotionally invested in our families, women. चाहे वो as a child हो, हमें बहुत ही बचपन में बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल रोल्स के बारे में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जाता है, या फिर हम जब सोसाइटी में ग्रो करते हैं तो धूप में मत जाओ, बाहर में खेलने मत जाओ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी स्किन जल जाएगी, ज्यादा चाय मत पियो, सांवली हो जाओगी। ये सब क्या है? व्हाई डू वी हैव सच अ ह्यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री? क्यों है? क्योंकि वी बहुत ही कम एज से हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम ये, और कुछ शहरों में भी है, हमें ये हमेशा बताया जाता है कि तुम में कितनी कमियां हैं, तुम्हारे बाल में प्रॉब्लम है, तुम्हारे स्किन में प्रॉब्लम है, तुम्हारे बॉडी में प्रॉब्लम है। बॉडी शेमिंग इज सो ऑब्वियस इन सिटीज। तो जब आपके अंदर इतने ऐब हैं, तो आप कहां से वो एक आपकी जो वॉइस होती है ना, वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे इक्वल हूँ और मैं तुम्हारे बराबर अच्छा काम कर सकती हूँ, आप तो पहले ही उनकी हिम्मत तोड़ देते हो। तो इसीलिए टू सम एक्सटेंट जस्ट एजुकेशन मैं नहीं कह सकती, बट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें, एजुकेशन आप रूरल एरियाज में कह सकते हो, बट शहरों में बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि मिक्स एंड मैच होकर के और इस प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं। ओवर टू यू।
वेरी वेल कस्तूरी, मैंने आपके अपने जो कैरेक्टर वाली बातें की हैं उससे मुझे काफी पास्ट एक्सपीरियंस और काफी इंसिडेंट्स के बारे में याद आता है, और इन सब की वजह से मुझे काफी अलग अलग चीजें मैंने सुनी और देखी, जैसे कि कुछ मूवीज भी आई थी जिनमें इस स्टीरियोटाइपिकल थिंग्स को दिखाया गया था, जैसे द पैडमैन, तो उन सब चीजों को कितना एक टाइम पे, आज भी एक टाइम पे नहीं, आज भी नेपाल में ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन विंटर्स एवरी मंथ फ्यू वुमेन डाइज बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज दे हैव टू, उन लोगों को अपने घर से बाहर किसी अलग जगह पे सोना पड़ता है सर्दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बात आपकी कहे बहुत सही है, बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है, तो उसको हमें अपने माइंड से खुद अपने अंदर से उसे चेंज करना पड़ेगा। मुझे इस बात से एक बात बोलनी थी, हम सब जैसे अभी आप इन सब बातों में बात कर रहे हैं, अभी एक नया तरह का ट्रेंड आया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने ये बताया कि हमारी जो स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी है और इन सब के ऊपर इतना सारा कि वुमेन कांट डू दिस, ये करेंगी तो ये चीजें हो जाएंगी, तो उसके ऊपर एक नया ट्रेंड आया है फेमिनिज्म, या एक फेमिनिस्ट को लोग एक पॉजिटिव वर्ड की जगह एक नेगेटिव वर्ड लेते हैं, कई फीमेल्स अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट कहने पे कतराती हैं, तो क्या आप इस बात पे मुझे एक बात बताएंगे एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, व्हाट हैव फेमिनिस्ट डन टू द सोसाइटी एज अ कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए इन सबको एज अ थैंकफुल हो कि दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इट, इररिस्पेक्टिव अपने आप को उस चीज से साइड करने के बजाय, कतराने से बजाय उस चीज का खुल के पार्ट बने, ऐसा क्या किया है हमारे फेमिनिस्ट ने हमारे पास्ट में, उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम इसलिए भी है बिकॉज देयर एग्जिस्ट आई मीन ग्रुप यू कैन से जिसे हम स्यूडो फेमिनिस्ट्स कहते हैं, स्यूडो एज इन दे पोज एज फेमिनिस्ट्स, बट बेसिकली उनके पर्सनल इंटरेस्ट्स में, जैसे अगर उनको किसी चीज में लिबर्टी चाहिए और ये शहरों तक लिमिटेड है, या किसी भी गलत बात के लिए फेमिनिज्म का यूज करना, किसी लड़ाई में पड़ना या किसी को फॉल्सली अक्यूज करना फेमिनिज्म के नाम पे, इसने शायद छवि कुछ हद तक के खराब की है। जहां तक आप एग्जाम्पल की बात कर रही हैं तो बहुत सारे हैं। वैदिक टाइम पे दो फिलोसोफर्स थी, फीमेल फिलोसोफर्स, ये वही टाइम है जब मनुस्मृति भी, मनुस्मृति के बारे में हम सबने सुना है, मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि औरतों के बारे में बहुत ही डेरोगेटरी बातें करता है, कास्ट और औरतों के, कास्ट बेस्ड पीपल और औरतों के बारे में, वुमेन एक किस तरीके से पल्यूट कर सकती है एक आदमी की मानसिकता को, वो कैसे एक फैमिली तोड़ सकती है, वुमेन को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, ये सारी बातें मनुस्मृति में लिखी है जो कि हाईली क्रिटिसाइज्ड है, आज भी हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज करती हैं। उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे, अराउंड 9th to 7th century दो फीमेल फिलोसोफर्स थी, गार्गी और मैत्री, ये इतने ज्यादा पावरफुल फिलोसोफर्स थी कि उस टाइम पे दे यूज टू चैलेंज द मेन फोक ऑफ द ऑफ देयर आई मीन कोर्ट, ये अपर कास्ट थी और मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके कास्ट के बारे में हमें कुछ पता है, बट ऐसा नहीं है कि विमेन वर स्टूपिड, इनको एजुकेशन मिलती थी एंड दे वर वेरी वेल रेड एंड दे हैड वेरी गुड डिबेटिंग स्किल्स। खैर, कंट्रीब्यूशन तो उस समय से औरतें बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने, उपनिषद में अपनी बहुत कंट्रीब्यूशन दे रखी है इन दोनों फीमेल ने, मैत्री और गार्गी ने। और जब आप मॉडर्न टाइम्स में आते हैं, पहले मैं वेस्ट में जाती हूँ, वेस्ट में मैं दो ऑथर्स के बारे में बताऊंगी, वर्जीनिया वुल्फ और सिमोन डी बोवोआर। फेमिनिज्म के थ्रू इन लोगों ने ये बताया कि किस तरीके से जो औरतें हमेशा एक एनोनिमस नेम से हमेशा जो एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो कोई कहानीकार हो या वो कोई साइंटिफिक काम करती हो, दे ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी एनोनिमस। वर्जीनिया वुल्फ की एक, उनका एक कोटेशन है, वो कहती हैं, इन मोस्ट ऑफ हिस्ट्री एनोनिमस वाज अ वुमन,
वो प्रेफर नहीं करती थी, उन्हें लगता था कि अगर उनका नाम किसी आर्टिकल में या किसी पोएट्री में लिखा जाएगा तो उसे उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और विच हंटिंग भी थी उस टाइम, बेसिकली ये 1929-1930s की बात है, तो लोगों को लगता था कि कोई बहुत इंटेलिजेंट अगर औरत है तो शी इज अ विच, ये एक आइडिया था उनका कि इतनी इंटेलिजेंट तो कोई औरत नहीं होती थी, हो सकती है, तो इफ शी इज गिविंग सच आइडिया देन उसे कुछ और ही नॉलेज है, कुछ विच क्राफ्ट जानती है, इसीलिए वो इतनी नॉलेजेबल है। तो औरतें अपने टैलेंट को छुपा के रखती थी। अगर मॉडर्न इंडियन के टाइम में, अच्छा उनके टाइम पे ये था कि जब वर्जीनिया वुल्फ और सिमोन डी बोवर इन लोगों ने जब शुरुआत की तो फेमिनिज्म के थ्रू सबसे पहले वोटिंग राइट्स फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, वोटिंग राइट्स मिलने लगे औरतों को। ऑफिस के सिनेरियो में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को धीरे धीरे जैसे डेवलप करते गया फेमिनिज्म, तो ये जो एक आइडिया है वो वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है, जो बेसिक फेमिनिस्ट आइडियाज निकल करके आते हैं हमारे। उसके बाद इंडियन सिनेरियो में जब हम देखें तो इंडिपेंडेंस आप लगा लीजिए 1850s टू 1910 के अराउंड ताराबाई शिंदे थी जिन्होंने फर्स्ट टेक्स्ट दिया था हमें, स्त्री पुरुष तुलना। ये एक इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट कह सकते हैं इसको, ये पहला इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक पहला टेक्स्ट था औरत का लिखा हुआ, जो कि और ताराबाई शिंदे एक दलित थी, तो ये भी सॉरी शी वाज नॉट द दलित, सावित्री बाई फुले वाज अ दलित, तो ताराबाई शिंदे का ये कॉन्ट्रीब्यूशन था। सावित्री बाई फुले ने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया था। पंडिता रमाबाई अनदर नेम, उन्होंने इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन के ऊपर, विडो री मैरिज के ऊपर और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने काम किया था। एंड दीज आर जस्ट फ्यू नेम्स, वन और टू और थ्री। आपको क्या लगता है लॉ में आज की डेट पे, इफ वी आर एबल टू टॉक अबाउट अबॉर्शन राइट्स, इफ वी आर एबल टू टॉक अबाउट मैरिटल रेप्स, रेप आप जाने दें, वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिटल रेप्स आज की डेट में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अ रेप कैन हैपन विद इन अ मैरिज। बट बिकॉज फेमिनिज्म एग्जिस्ट, छोटी छोटी चीजें जब निकल के आती हैं, हम ये बताते हैं कि आपका सब्जुगेशन कितने लेवल पे और कितने तरीके से हो सकता है। आपको इसका, आपको बिकॉज यू आर नॉट वेल रेड, यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट इट, आपने इंटरनलाइज कर लिया है इस पूरी सोसाइटी को, तो आपको लगता है जो आपके साथ हो रहा है दिस इज वॉट इज सपोज टू हैपन एंड यू आर सपोज टू बेयर इट। हमारे फैमिली में हमें ऐसे ट्रेन किया जाता है ना, अगर किसी के इनलॉज के घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत प्लेनली, बहुत स्मूथली ये कह दिया जाता है सब मैनेज करते हैं, आप भी मैनेज कर लो। तो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म एक वॉइस, एक स्ट्रेंथ देती है एक हर औरत को जो हु वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री, नहीं ये सही नहीं है। रिसेंटली एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी थप्पड़, आप सबने देखा, हम सबने देखा होगा, और कहने को वो एक बहुत छोटी सी चीज है, एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था लीड एक्ट्रेस का उसमें, कि थप्पड़ ही तो मारा है किसी ने कहा थप्पड़ ही तो मारा है, तो लीड एक्ट्रेस कहती है पर नहीं मार सकता। यू नो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बेसिक राइट्स दैट नोबडी कैन हिट यू विदाउट अ रीजन, यू आर नॉट अ कमोडिटी, यू आर अ ह्यूमन, दैट आइडिया ऑफ कमोडिफिकेशन दैट इज अटैच्ड टू अ वुमन, जब वो चीज जब अलग हो जाती है, जब एक औरत खुद को एक इंसान की तरह देखना स्टार्ट करती है, आई थिंक दैट इज वेयर फेमिनिज्म हैज वन, एक विक्ट्री आप देख सकते हैं फेमिनिज्म की। That's what I would like to say. Very well said, Kasturi. So, मैं इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा माना जाता है कि इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन्स थी, एंशियंट इंडिया में वुमेन्स को देवी के समान माना जाता था, ठीक है, तो ये माना जाता है कि उस टाइम पे उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, और अब के मुकाबले उस टाइम पे जो महिलाएं थी वो ज्यादा इम्पावर थी, तो आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, तभी मैंने आपको वैदिक पीरियड का दो एग्जाम्पल दिया था, गार्गी और मैत्री का, वो वैदिक पीरियड में ही थी ये दोनों महिलाएं, और दे वर वेरी वेल लर्नड, और कोर्ट में, राजा के जो कोर्ट होते थे वहां वो अपने मेल काउंटर पार्ट से, देवर फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स कहेंगे आप, और जिनको उपनिषद वेद सबका बहुत ज्ञान था, और वो अपने मेल काउंटर पार्ट से डिबेट करती थी, वो अश्वमेध यजनास, वो बहुत ही ज्यादा मेल सेंट्रिक, लोग कहते हैं कि पुरुष को ही यज्ञ में बैठना चाहिए, अब ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है, बट जितने पहले यज्ञ होते थे उसमें औरतें भी इक्वली पार्टिसिपेट करती थी। अब डाउरी सिस्टम भी जो हम आज के डेट में देखते हैं, पहले स्त्री धन कहते थे उसे, थोड़ा टाइम के साथ खुद मैन्युपुलेट करके लोगों ने उसे
डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट स्त्री धन क्या होता था, जब एक औरत अपने घर से जब एक लड़की की शादी होती थी तो उसे उसके माता पिता कुछ सोना या कुछ प्रॉपर्टी जो सिर्फ वो अपने पोजेशन में रख सकती है वो देते थे स्त्री धन। उस स्त्री धन से किसी इन केस ऑफ वो क्यों दिया जाता था, इन केस ऑफ इमरजेंसी शी कुड यूज इट फॉर हरसेल्फ। अब क्या हुआ, वो डेरोगेटरी क्यों हो गया, क्योंकि अब वो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हो गया। आप मुझे गाड़ी दें, मुझे बंगला दें, आप सोना दें, एंड नन ऑफ इट। कहते हैं कि इट इज ऑल फॉर योर डॉटर, बट इज इट रियली फॉर द डॉटर? क्या डॉटर उसे इमरजेंसी में अगर उसे ऐसा लगे कि उसके फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हैं तो क्या वो ऐसा कर सकती है कि मेरे पास मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है, मैं लेकर के निकल रही हूँ? अगर ऐसा होता तो इतने डाउरी डेथ्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये अब जो आपको मिल रहा है ये आपके इन लॉज को दिया जा रहा है, ये आपको नहीं दिया जा रहा है, इट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो कहीं ना कहीं इन इश्यूज के कारण आज जो प्रॉब्लम है, और हाँ अपने पास्ट से हम सीख सकते हैं बिकॉज वुमेन वर इम्पावर्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बायस्ड नेचर है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास्ट में जो भी था वो सब सारे गवारी थे, अभी जो है हम बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। बट उस समय आयुर्वेद था हमारे पास, उस समय हमारे पास जो भी टेक्निक्स ऑफ मेडिसिन थे वो बहुत एडवांस्ड थे, हमारे लिटरेचर वॉज वेरी एडवांस्ड। और ये वैदिक पीरियड में कास्ट जो था हमारा, it was not hereditary, मतलब जो it was not based on birth, कि जो किसी दलित तो खैर कोई डॉन में नहीं था, कि एक सोल्जर का बेटा सोल्जर ही बनेगा, पैदा अगर होता है तो वो सोल्जर का ही बेटा कहलाएगा, नहीं। इफ दे वुड चेंज देयर प्रोफेशन देन दे कुड इंक्रीज देयर सोशल स्टेटस इन और सोशल क्लास इन द सोसाइटी एज वेल। धीरे धीरे जैसे जैसे वेद के जाने के बाद, जैसे उपनिषद वेद उपनिषद के जाने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे कॉन्क्रिटाइज हो गया, फिर लोग अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, स्पेशली ब्रह्मानिकल क्लास, आई एम सॉरी टू से, नॉट टू ऑफेंड एनी वन, बट ब्रह्मानिकल क्लास ने ये सब कुछ कॉन्क्रीट कर दिया, औरतों को दबा के रखो और इस जाति को अछूता बना दो, उस औरतों को इस तरीके से देखो, उस तरीके से देखो। था मनुस्मृति थी, लेकिन मनुस्मृति को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, और अगर मनुस्मृति थी जो कि डेरोगेटरी वे में औरतों के बारे में बात करती थी, तो पैरेलली ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी हमारी सोसाइटी में जो कि औरतों को एम्पावर भी कर रही थी। सो दैट इज व्हाट कि जो नॉलेज थी, आपके जो वर्ड थे वो बहुत फ्रूटफुल, और सच बोलूं तो मैं इससे ज्यादा इस सेशन से सहमत नहीं हो सकती। ये इनमें आपने जो जो मनुस्मृति के बारे में बताया, हमारे एशियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, हमारे प्रेजेंट सिनेरियो, मैन सिचुएशन, हमारा जो फेमिनिस्ट का पास्ट है, इन हर चीज में आपने बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्म करके हमें एक नई नॉलेज दी है जो सच में बहुत हेल्पफुल होगी सबको समझने में एक्चुअली फेमिनिज्म क्या है। और लोग इसे एक नेगेटिव वर्ड समझने की बजाय इसे लोग चेरिश करना चालू करेंगे, इसे यूज करना चालू करेंगे, और दैट ऑल थैंक्स टू गोज टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टॉक एंड टुडे योर टाइम हियर। थैंक यू सो मच फ्रॉम मी, माय फ्रेंड, एंड फ्रॉम भूमिका ट्रस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने इतने अच्छे एक आपकी इनिशिएटिव है, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप और ऐसा अच्छा काम करें और मुझे भी और नॉलेज मिले आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।